अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम खुतूत नवेसी में अपने दोस्त के नाम खत लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, खत लिखते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, दाएं तरफ यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, अलिफ बे जीम, घर नंबर 75, मोमिनपुरा, अकोला, और उसके बाद तहरीक। अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद अरशद, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम डॉक्टर बनकर गरीब मरीजों की खिदमत करना चाहते हो। तुमने मुझसे पूछा है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो सुनो, मैं वकील बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज के ज़माने में वकालत का पेशा बहुत बदनाम हो गया है। आज वकील का मतलब झूठ बोलकर पैसा कमाने वाला शख्स है। मेरे वालिद भी मुकदमे के सिलसिले में काफ़ी परेशान हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं दोस्त के नाम खत। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस खत के बारे में। मुझे पता चला है कि तकरीबन हर शहर में ऐसे वकीलों की भरमार है जो झूठे मुकदमात लेते हैं और मुवक्किलों से बस रुपए ऐंठते रहते हैं। बेशतर मामलात में ये भी पता चला है कि दोनों फरीक के वकील आपस में सांठगांठ कर लेते हैं और इन्हें बेवकूफ़ बनाकर लूटते रहते हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। हमारे मुल्क में कई अहम शख्सियात का ताल्लुक वकालत के पेशे से रहा है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह। इन शख्सियात ने हमेशा हक का साथ दिया और अपने हम वतनों के हुकूक के लिए ज़िंदगी भर लड़ते रहे। मैं इन्हीं शख्सियात से मुतासिर होकर वकील बनना चाहता हूँ। वकील बनकर मैं हक का साथ दूंगा और अपने साथियों की ज़मीर को बेदार करने की कोशिश करूँगा। आज के मादा परस दौर में हर शख्स दौलत के पीछे भाग रहा है, तो वकील हजरात कैसे पीछे रह जाए। लेकिन इन्हें बताना पड़ेगा कि दौलत से बढ़कर भी कोई चीज़ है, और वो है ज़हनी सुकून और दिल का इत्मीनान, जो नसीब होता है सच्चाई के रास्ते पर चलकर। तुम तो जानते हो कि दो फरीक में से एक यकीनन जालिम होता है और दूसरा फरीक मजलूम, एक सच्चा होता है और दूसरा झूठा। मैं इंशाअल्लाह हमेशा सच्चे का साथ दूंगा ताकि सच का बोलबाला हो। अपने अम्मी और अब्बू को मेरी तरफ से सलाम अर्ज करना, तुम्हारा दोस्त। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके दोस्त का नाम, यानी यहाँ पर जो खत लिख रहा है उसका नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा दोस्त, अलिफ बे जीम है यहाँ पर, एंड जो खत लिख रहा है उसका यहाँ पर नाम आएगा। उसी तरह से हमने शुरुआत में एड्रेस देखे थे, यानी जिसके लिए हम खत लिख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, उसके नीचे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद अरशद, यानी जिसका यहाँ पर नाम लिख रहे हैं वो हमारा दोस्त है, यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए।